तो व्यूअर्स इस टाइम मेहनतें हो रही हैं। और भाई अभी हम जा रहे हैं ऊपर छत पे, साथ वालों को ये झंडा आप देख सकते हैं हमारे घर आ गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह ताला की रहमत फजल करम और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं तैयार हुआ था कि मैंने सोचा था कि हम बाहर चलेंगे, ब्लॉग बाहर बनाएंगे, लेकिन अभी पता लगा है बाहर रोड्स बंद हैं क्योंकि जुलूस है बाहर, तो इस वजह से रोड्स जो हैं बाहर बंद हैं, तो आज का ब्लॉग फिर हमें घर में बनाना पड़ेगा। मौसम जो है बड़े ही मज़े का है, धूप निकली हुई है, हवा भी है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है और गुड्डे भी उड़ रहे हैं आप देख सकते हैं ऊपर। तो आज आपका भाई आपको एक वैसी फ्री एडवाइस देने लगा है। फ्री एडवाइस ये है कि यार मैंने एक कुछ मंथ पहले एक वीडियो बनाई थी डॉज कॉइन से रिलेटेड, उस टाइम उसकी प्राइस थी 27, 29, 23 रुपीस पे भी गई थी। तो मैंने आई थिंक आप लोगों को कहा था कि यार आप लोग उसको बाई कर लो अभी डिप में तो आपको बहुत प्रॉफिट देगा, लेकिन पता नहीं क्या पता कुछ लोगों ने उसको बाई किया भी हो। तो खैर आज उसकी प्राइस जो है इस टाइम अभी 57-58 रुपीज़ के दरमियान चल रही है। सो एनीवेज़ ये हमारा टॉपिक नहीं था आज की वीडियो का मेरा टॉपिक यह था कि मैं आप लोगों के साथ गपशप करूं और गपशप ही करूं। जो व्यूअर्स मैं कुछ इस तरह का देख रहा हूं, ये मैंने ड्रेसिंग की हुई है आज, और कैसा देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं वो व्यूअर्स अभी मैं नीचे आया हूँ, पौधे जो हैं काफ़ी खुश्क थे तो मैंने सोचा कि उन्हें इनमें पानी डाला जाए, तो अभी इनमें सारे पौधों में पानी डाल रहा हूँ। बहुत ही खुश्क हुए हुए थे, ये ख़राब हो रहे थे, जल रहे थे, गर्मी बहुत पड़ रही है इस वजह से। सो व्यूअर्स अभी सब पौधों में पानी डाल दिया, तो अब ये ज़रा सही सही लग रहे हैं, बेचारे सूखे हुए थे, इनका ख्याल रखना भी बहुत मस्त है यार। नीचे रंग का काम हो रहा है ना, तो मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है, इसके ऊपर बिल्कुल वाइट वाइट डॉट आ गए। मैं हमजा की वीडियो बना रहा था तो इसमें ब्लैक वाइट वाइट डॉट आ गए ब्लैक शर्ट पे। ट्रेन की आवाज़ आपको आ रही होगी। अभी किसी के घर बहुत ही मज़े की चाय बन रही है यार, ऊपर बड़े ही मज़े की खुशबू आ रही है, तो मैं भी नीचे कॉल करता हूँ, कहता हूँ कि यार चाय ऊपर भेजें हमजा और मेरे लिए, फिर हम चाय पीते हैं। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, मीठी मीठी सी, साथ इसके साथ तो फ्रेंच फ्राइज, मज़ा आ जाए यार। हमारे ना घर के बिल्कुल पास ही रेलवे स्टेशन है, तो ट्रेन इधर से गुजरती है ना, बिल्कुल पास नहीं समझे कि 2-3 किलोमीटर होगा यहाँ से, तो ट्रेन गुजरती है, हॉर्न बजाती है तो इधर आवाज़ आती है। और पहले जो था ना एयरपोर्ट, वो इस साइड पर था बिल्कुल जी, 3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन इस साइड पर था, एयरपोर्ट 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर हाथ मारे एयरपोर्ट इस साइड पर था। अभी भी ट्रेन गुजरी है, तो हम मिड सिटी में ना एक तरह रहते हैं अभी भी, तो बट एक प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ से एयरपोर्ट शिफ्ट हो गया। अब एयरपोर्ट जो नया बना है वो यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम भी 35-40 किलोमीटर दूर है, 35 किलोमीटर तो यहाँ से दूर है फतेह जंग के पास बना नया एयरपोर्ट। लग रहा गुड्डे का कट जाओ भाई, कट जाओ, और ये कट क्या है, आई थिंक ये कट गया, गुड़ा कटा है, इसको लपेटने के लिए कितने लोग आ गए, अगर ना आते तो ये सीधा क्या पता हमारे पास आ जाता, लेकिन इसको देख सकते हैं आप, लपेट के ले गया ये वाइट वाला। और 14 अगस्त थी ना, बच्चों ने इतने बाजे बजाए, अभी भी बाजों की आवाज़ आ रही है गान में, इतने बाजे बजाए कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो एक मैं वीडियो देख रहा था, उस पर भी उन्होंने उसमें एक कायद आज़म की कॉपी जैसे ही थे बंदे, तो उन्होंने ना वो गाड़ी पर उनको साथ लिया हुआ था ना, तो वो ऊपर कमेंट में नीचे ना कमेंट में लिखा हुआ कि बच्चों ने इतने बाजे बजाए कि कायद आज़म भी जाके है। तो व्यूअर्स आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को काफ़ी प्रमोट किया जो फायरवर्क वाली थी, मेरी सब वीडियोस किसी तरह प्रमोट करें ताकि आपके भाई का चैनल जल्दी से मोनिटाइज हो जाए और फिर आपका भाई आपके लिए और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आ सके। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से जल्दी से इसको भी, मेरी सब वीडियोज़ को अच्छा अच्छा वॉच किया करें, फुल वॉच किया करें और कंप्लीट वॉच करके उसको शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। तो नीचे चलते हैं हमजा के पास, उससे गपशप लगाते हैं, शर्ट गंदी हो जाएगी लेकिन मेरी। हमजा साहब किधर हैं आप? हमजा स्वामी साहब क्या हाल है आपके, कैसे तासुरात हैं? आज तो अंदर बड़े वाइट वाइट हुए हुए हैं।
बताओ तो सही। हम तो यार तैयार होना चलते हैं कहीं यार, भाई रोडे पर बंद है। कब काम खत्म होगा? हमजा जो है इस टाइम, अब ये 14 है ये हमजा, हाँ ये इसका जो है ये बैग जो है ओपन कर रहा है, ये सब हमजा ने किया है माशाल्लाह। अगर आप लोगों ने व्यूअर्स आप लोगों ने भी घर में कोई काम करवाना हो तो ये हमजा से करवाएं, बहुत ही मेहनती लड़का है हमजा। और लोगों के घर का काम करेगा या हमारी करेगा? हमजा का इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी जॉब हो जाएगी बैंक में इंशाल्लाह। इसके पेपर्स दिए हुए हैं, बहुत ही मेहनती लड़का है ये, और अभी इसके इसने बस पेपर्स दिए हुए हैं तो बस इसकी बहुत जल्दी जॉब हो जाएगी। क्यों हमजा? इंशाल्लाह। लड़का जो है वो बिज़ी है इस टाइम अपने काम में। बैठ के ना अलग ही सुकून है यार, सामने से हवा, ऊपर फैन, नीचे विंडोज़ लगी हैं, मज़े की हवा आ रही होती है, बड़ा चिल करता हूँ। इधर ही बैठा रहता हूँ, अभी भी हमजा के साथ ऊपर ही बैठा हुआ था, नीचे गया था तैयार होकर फिर ऊपर आ गया। बाहर तो सब बंद है, रोड्स वगैरह बंद है। व्यूअर्स आप लोगों से एक बात और भी मैंने शेयर करनी है, बात ये है कि आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा चैनल जो है काफ़ी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का प्यार है, अच्छा जा रहा है काफ़ी। तो मैं ना काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ, उनके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं मेरे से करोड़ गुना ज़्यादा हैं, लेकिन यार उनको कोई टॉपिक नहीं मिल रहे होते, या वो ऐसी जगह पर रहते होते हैं जिधर वीडियो सही से नहीं बना सक रहे होते। तो अल्लाह का शुक्र है यार, मैं एक रहता भी बिल्कुल सही जगह पर, मिड सिटी में रहता हूँ, और लोगों का प्यार भी मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी जा रही है मेरी वीडियोस। तो आप लोग इसी तरह ना मुझे और प्रमोट करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे ब्लॉग्स लाऊं। और हमजा भाई मेरे पार्टनर, वीडियो पार्टनर, ये खड़े हुए मेरी बातें सुन रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं? आप कोई बात कहना चाहती हैं? नहीं बात अभी कह दें, शर्मा रहे हैं? अभी काम कर रहे हैं। कब फ्री होंगे आप जनाब? थोड़ी देर तक बस हमजा का इतना सा काम रह गया, इसके बाद हमजा भी फ्री है। जो है लाइट जो है वो चली गई है, और गर्मी से सख्त बुरा हाल हो रहा है। इस घर में भी यूपीएस का कनेक्शन नहीं हुआ हुआ, यूपीएस है लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ हुआ, तो वायरिंग का काम थोड़ा सा रहता है। तो इस टाइम शदीद गर्मी, पसीना आप देख सकते हो, हवा भी इसी टाइम रुकी, ऊपर था तो चल रही थी, अभी हवा भी रुकी है। फिर सभी विंडोज़ खोलते हैं यार, ताकि हवा आए कुछ, लॉक हुई भी है। ये सामने घर है व्यूअर्स, ये पुराने ज़माने का है, इसको अभी अभी इन्होंने रिन्यू किया, देख सकते हैं व्यूअर्स। हमजा जो है वो चाय लेकर आ गया है, गरम गरम चाय अभी पीते हैं। और आपकी किधर है? एक मिनट पकड़ना, गिरने लगी हाथ से, उफ कैमरा पकड़ा हुआ था यार, थैंक यू। अभी हम फिर ऊपर आ गए, चाय हमारे हाथ में यार, ऊपर तो बड़े मज़े की हवा चल रही है, नीचे नहीं थी हवा, ऊपर तो मज़े की हवा है, और आज तो गुड़ियाँ भी बहुत उड़ रही हैं, बताऊँ क्यों? क्योंकि बाहर मार्केट जो बंद है। गर्मा गर्म चाय, आय हाय आय हाय। मैंने जो सोल्यूशन निकाला ना बालों का, चेक कर सकते हैं आप, ऐसे लगते हैं ड्राई हुए हैं बाल, उसके ऊपर अगर आप स्प्रे कर लें, स्प्रे से भी बाल ख़राब होते हैं, वैसे बता रहा हूँ, अगर आप स्प्रे कर लें ऐसा लगेगा ड्राई हुए हैं, और ड्रायर करने से बाल ना ख़राब हो रहे थे मेरे, बहुत पतले पतले होते जा रहे थे बाल, तो ये मैंने ड्रायर छोड़ा, हेयर बैंड लगाता हूँ 5 मिनट, और बाल एकदम ज़बरदस्त हो जाते हैं। जो है मेरी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो ये मैं कटवाऊँगा आज, नहीं आज तो शॉप्स बंद है, कल मॉर्निंग में। और बाल में यार इस दफ़ा थोड़ा बड़ा बड़े करना चाह रहा हूँ, बाल में बड़े करूँगा और बीएड में कल कटवाऊँगा। फिर मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए, आप मुझे बताएँ यार, मैं ना आगे 15 डेज़ के लिए कहीं टूर करना चाह रहा हूँ, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है कराची सिंध, और दूसरा ऑप्शन आप सुनेंगे तो कहेंगे कि दूसरा ऑप्शन है मेरा नॉर्दर्न एरियाज़ का ना। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कहाँ के ब्लॉग चाहिए, नॉर्दर्न एरियाज़ के चाहिए या कराची का, कराची एक्सप्लोर करवाऊँगा आप लोगों को, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर उसी हिसाब से हम प्लान बनाते हैं इंशाल्लाह सेप्टेम्बर में, सेप्टेम्बर मिड में या सितंबर के लास्ट में हम जाएंगे कराची या नॉर्दर्न एरियाज़ में। तो व्यूअर्स अभी जो है सिग्नल जो हैं वो चले गए हैं, इधर पास में ही ना कर्नल मकबूल इमाम बारगाह है, जो पिंडी की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इमाम बारगाह है, तो सिग्नल जो हैं चले गए हैं इधर जुलूस है आज।
तो कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज़ करना चाहिए यार, वो भी हमारे भाई हैं। तो इंशाल्लाह सिग्नल जैसे ही खुलेंगे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। व्यूअर्स, अभी मैं जिस फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ ना, ये वीवो है, तो इसमें एक बड़ा फिट सा फंक्शन है। इसमें ना मैं अभी पिक्चर्स ले रहा था ना, एक तो पाल्म सेल्फी होती है या एक स्माइल करे तो सेल्फी होती है। इसमें एक और भी इन्होंने फीचर ऐड किया, मुझे अब पता लगा फ़ोन मेरे पास कब से है, लेकिन पता अब लगा। इसमें आप चीज़ बोले ना तो वो पिक्चर आपकी खींची जाती है। मैंने इतनी सारी क्लिक्स लिए हैं, आपसे शेयर करूँगा। व्यूअर्स, अभी जो है शाम होगी, सूरज जो है ग़ुरूब हो चुका है, अभी चलते हैं नीचे। आज मैंने अपनी वीडियोस में फ़र्स्ट टाइम लैप्स यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार। ये वीवो था, इसका बैक कैमरे से मैंने इसका टाइम लैप्स यूज़ किया, तो काफ़ी अच्छा था। तो आइए चलते हैं नीचे। ये हमज़ा, आज इसकी बर्थडे है, अभी इसके दोस्तों ने इसके ऊपर अड्डे वगैरह मारे हैं इसको। हमज़ा हैप्पी बर्थडे यार, केक कब खिला रहे हो? इतवार को मोहर्रम है। हाँ, आज मोहर्रम है तो ये इतवार को केक खिलाएगा। इतवार को ठीक है जी, इतवार को पिज़्ज़ा भी ठीक है। ओके, ये समझा जो है सब घर वालों को ना सेवर पे लेके जा रहा है और ट्रीट दे रहा है अपनी तरफ से ना सबको। तो हमज़ा के लिए भी गिफ्ट लेंगे यार कोई अच्छा सा। अभी घर में सब वो रानिया उमाइमा सबको लेके जा रहे हैं सेवर पे। हमज़ा की बर्थडे जो है हम संडे को जो है सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अभी मुहर्रम है तो इसमें सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए, तो हम हमज़ा की बर्थडे संडे को सेलिब्रेट करेंगे। व्यूअर्स, अभी हम आए हैं बाहर देखने के रोड्स की क्या सिचुएशन है। रश बहुत है रोड्स पे, आपको दिखाता हूँ, चेक कर सकते हैं आप, काफ़ी रश है यहाँ पे रोड्स पे, ब्लॉक है पूरी तरह। देख सकते हैं कंटेनर आ गए हैं, ऊपर रोड बंद भी है, आगे जो है अंडरपास पूरी तरह बंद है। तो अभी हम यहीं से मोड़ लेते हैं बाइक, आगे जाने का फ़ायदा नहीं है इधर। तो व्यूअर्स, अभी हमज़ा इधर आया है गन्ने का जूस पीने, पिलाने भी, इसको बहुत पसंद है गन्ने का जूस। तो मैं तो इतने शौक से नहीं पीता, यही लाया तो पीते हैं। हमज़ा ले आया, अभी इसको पीते हैं। अभी हमने यहाँ से गन्ने का जूस जो है वो पी लिया, बहुत ही मज़े का था, चिल हो गया बंदा अंदर से। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त साद अहमद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।